हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू बीएड 2021 एडमिशन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी इग्नू एडमिशन 2021 के बारे में कि इग्नू बीएड एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट क्या है एंड हॉल टिकट, एडमिट कार्ड एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायर्ड होंगे एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, क्योंकि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो बहुत बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका बीएड में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो क्वेश्चन पेपर के ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो है ये। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देयर विल बी टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। पार्ट ऑफ एग्ज़ाम, टू पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा ए एंड बी। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, सो वन क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स होने वाला है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। टाइमिंग की बात करें तो 2 आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो फाइनली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग बच्चों को यह भी नहीं पता होता। सो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होने वाले हैं, 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, टाइमिंग जो होगी 2 आवर्स की होगी। तो चलिए आगे और बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा पार्ट ए, तो पार्ट ए एंड बी हमने डिस्कस किया था, 2 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। तो हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए भी आपका सेक्शन 5 में डिवाइड होने वाला है। तो सेक्शन 1 में आपसे जनरल इंग्लिश एंड कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे मिनिमम 10 मार्क्स के। एंड अगर सेक्शन 2 की बात करें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 3 की हम बात करें तो एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे। एंड सेक्शन 4 की बात करें तो टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग में से आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो इसमें अटेम्प्ट एनी वन सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा, तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आपको आंसर करने होंगे। तो मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट
आप उसके आंसर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जनरल इंग्लिश एंड कंपेरिजन 10 questions, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 questions, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 questions, टीचिंग लर्निंग 25 questions एंड अटैम्प एनी 1 subject। तो 4 subject में से आपको कोई 1 subject चूज करना है तो उसके 20 questions। तो टोटल हमारे पास 100 questions हो चुके हैं, तो 100 marks का ही ये क्वेश्चन पेपर है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें तो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में भी हम बात कर चुके हैं कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग, कंपेरिजन, जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग लर्निंग। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इसका जो पैटर्न है वो कहाँ से तैयार किया जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। फॉर पार्ट बी, या तो हमने पार्ट ए की बात की थी, एंड अगर हम पार्ट बी की बात करें, टॉपिक विल बी एज पर द सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस एंड विल बी फ्रॉम 9th and 10th standard prescribed by CBSE NCERT। तो जो आपका पार्ट बी होने वाला है उसमें आपसे 9th to 10th standard के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि CBSE या NCERT द्वारा जो आपकी बुक्स थी उसी में से होंगे। तो आप जानते हैं 9th and 10th आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, देन आप थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम को 6 नंबरों से पास करेंगे। अगर हम प्रिपरेशन टिप्स की बात करें, इग्नू 2021 प्रिपरेशन टिप्स, कि हमें प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ऑफिशियल सिलेबस, तो जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसके सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, उनको पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद टेक वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट देने से आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए आप, गूगल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे BEd प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। And make short notes every day after studying and revise them regularly. तो अपने short notes तैयार करते जाइए, जैसे ही आप थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़े को भी लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको अच्छे से आपके माइंड में हर टॉपिक कवर हो जाए। टेक हेल्थी फूड एंड नो डू योगा और मेडिटेशन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिजिकली, मेंटली एंड हर तरह से ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसका डेमो हम देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, यह 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 दिए गए हैं, टाइमिंग 120 मिनट्स दिए गए हैं, मीन्स 2 hours। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लिखा है वो सब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। परीक्षा पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, आ एंड बा। परीक्षा में कुल संख्या 100 है, जो प्रत्येक एक अंक का है, एंड पार्ट आप देख सकते हैं 2 parts में डिवाइड है, ए एंड बी। पार्ट ए में आपको 4 sections पूछे गए हैं, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको एक बार और बता देती हूँ जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल इंग्लिश कंपेरिजन 10 questions, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 questions,
एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, टीचिंग लर्निंग एंड एट स्कूल 25 क्वेश्चंस। एंड पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसमें से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आपको क्वेश्चन पेपर में रफ़ वर्क के लिए भी ये पेज खाली मिलेगा जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। देन हाउ टू फिल अप द इंफॉर्मेशन ऑन द ओएमआर रिस्पॉन्स शीट। तो ओएमआर आप शीट के बारे में आपको पता होगा, आपने जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं जो आपको डॉट डॉट फिल करने होते हैं तो वो शीट आपको दी जाएगी, उसे आपको फिल करना होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एग्ज़ाम में कि आपको क्या क्या फॉलो करने हैं रूल्स, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन है, इजीली आप इसे पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन सभी चीज़ें दी गई हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, किस किस तरह से हमें मिस सब काम करने हैं एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, जो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। नाउ हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो चुका है, पार्ट ए जनरल इंग्लिश कंपैरिजन। तो फाइनली हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है एंड उसके नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। उसके बाद हमारा हिंदी आता है, जो हमें इंग्लिश में दिया गया है उसी को यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। तो आप हिंदी में करना चाहें या फिर इंग्लिश में, जो आपने मोड चूज किया होगा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम तो उसी में आपका अपना क्वेश्चन पेपर करना होगा। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं हिंदी एंड इंग्लिश। अब पार्ट ए में हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम इनके भी हमें आंसर इसी तरह से करने हैं। नाउ ये हिंदी मीडियम में हमें दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का। तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जो कि जीके में आपको मिल जाएंगे सभी, जैसे कि आप देख सकते हैं 30। तो क्वेश्चंस आपसे आपको दिए गए हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा पार्ट ए दिया गया है सेक्शन 4 टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। तो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर हमें करने हैं। तो सभी क्वेश्चन हमें मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं, राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टिक मार्क के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको करने हैं, उनके आंसर हमें ओएमआर शीट पर देने होंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है। पार्ट बी का सब्जेक्ट फर्स्ट है साइंस। तो अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आपको साइंस के आंसर करने होंगे। देन मैथ, इंग्लिश एंड सोशल साइंस आपके सामने दी गई है, तो उसके आंसर आप कर सकते हैं। वॉट एवर जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो उसके आंसर आपको इसी तरह से करने होंगे। सो ये क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एग्ज़ाम पैटर्न। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे कि ये बेसिक क्वेश्चन 137 दिया गया है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो अभी भी आप गूगल सर्च या कहीं से भी सर्च के द्वारा आप इन क्वेश्चंस का पता कर सकते हैं एंड आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई होगी, आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो गया होगा, देन आप इजीली अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अच्छे नंबरों से पास होकर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उनका, तो उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे वो बच्चे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन ले सकें।
सो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।